बात इतने तक जा रही थी, वजाहत ना हो सकी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मालिक नू कहंदे ने ना, मालिक बिन जार, वो जड़ा आवाज लगाण वाला सी मिसर दे बाजार अंदर, यानी बाजार हुसन अंदर, मिसर दे बाजार अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू वेचण वास्ते जदों पेश कीता गया, तो मालिक बिन जार ऐलान करदा है, मैं यश्तरी हाजल गुलाम अल लबीब, मैं यश्तरी हाजल गुलाम अल हसीब, कौन है जड़ा खरीदार होवे हसबो नसब वाले और बड़े अकलमंद ते दाना गुलाम नू, नाले गुलाम कहंदा पे हाजल गुलाम, नाले हसीब भी कह रहा ते लबीब भी कह रहा, लबीब कहते ने अकलमंद दाना नू। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते सन, मालिक इंज ना ऐलान ला, ऐलान इंज ना कर, आवाज सही ला, ओ गुलाम ते नाले अकलमंद, गुलाम ते नाले हसब नसब वाला, गुलामा दा हसब नसब कौन वेखदा, गुलामा नू अकलमंद कौन समझदा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, आवाज लगा इंज कि मैं अश्तरी आजल गुलाम गरीब, कौन है जड़ा गरीब गुलाम नू खरीदे, मिस्कीन गुलाम नू मुल ले लवे, आवाज इंज ला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ए गल सुनी, सोने नाल चांदी नाल रेशम दे नाल मुशक, मुशक किनू कहंदे ने, कस्तूरी, यानी कस्तूरी दे बराबर तोल करके वजन दे बराबर, हजरत यूसुफ दे वजन दे बराबर जनाब बेचया गया। और खरीदन वाला अजीजे मिसरे जदो घर ले आया, गल इत आ गई सी, अपनी बीवी नू कहंदा है, अकरी मैं इज्जत करना है, एहतराम करना है, बड़िया इज्जत दे नाल इनू रखना पालना ते पोसना है, क्यों जो आई अल्फाना उदे तो पहले आसा दा लफज बोलदा है, आसा आई अल्फाना औ नत्तखिज़हू वलदा, सानू नफा देगा, फायदा मंद साबत होएगा, या साडे कोले औलाद नहीं, औलाद तख़िज़हू वलदा, असीं अपना पुत्र बना लैने, बेटा बना लैने। अल्लाह ने फरमाया, वा कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ध, फरमाया इसे तरीके नाल ही असी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कदम मिस्र दी जमीन अंदर जमा दिता, वली नुअल्लिमहू मिन तअवीलिल अहादीस, ताकि असी उन्हां नू ख्वाबां दी तबीर सिखाइए, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, अल्लाह अपने हर मुआमले ते गालिब है, मुआमला अल्लाह दा गालिब, हुक्म अल्लाह दा गालिब, हुक्म अल्लाह दा चल कर करेगा। नाल फरमाया, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते जो नहीं, अक्सर लोगों नू इस बात का पता नहीं। अगे कुरान कहता वलम्मा बलग अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी बलूगत नू पहुंचन वाले हो गए, जवान हुंदे पैने, अल्लाह फरमा देने
हजरत यूसुफ नूसी आतैनहू हुक्मा इल्मा, असी बादशाहियां भी अता फरमाइया, असी यूसुफ अलैहि सलातो सलाम नू यानी दूसरा तर्जमा फैसले दी कुव्वत अता फरमाई, और जिड़ियां चीज़ां यानी वक्त तो पहले उम्र तो ज्यादा हाँ जी इलम वालियां बातां भी सिखाइया अल्लाह ने अता फरमाइया। अल्लाह फरमा दिनी ओ कज़ालिका नज़िल मुहसिनी, फरमाया सी इसे तरह ही नेक लोगों नू जजा देने आ बदला था फरमाने आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर दे अंदर जीजे मिस्र दे घर अंदर पलदे पोसदे पै रहे ना, अल्लाहु अकबर, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम नू पालन वाली जिन्हें माँ बनाया, जिन्हें प्यारे यूसुफ नू अपना बेटा बनाया सी यानी माँ बनी हुई, यानी मगर عادت التي هو في بيتها عن نفسي او फिसलांदी रही, फिसलांदी रही, बहलांदी रही हाँ जी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ते अपने डोरे डाल दी रही हाँ जी, तैयारियां चे तैयारियां चे जेदे घर दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहंदे ने, वो अपने वास्ते नफसी अपने आप वास्ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जनाब तैयार कर दी रही हाँ जी, वक्फे वक्फे नाल गल्ला नाल इशारियां गनाया नाल। हुण वक्त इंजदा आ गया, कुरान कह रहा है इन्हें जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोटी खिलाण दे बहाने और किसे काम दे बहाने कमरे चले गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अगले कमरे दे अंदर हर कमरे दी कुंडी ला रही है, नाल ताला जड़दी पई है, चाबियां अपनी जेब अंदर पाइया। प्रोफेसरीन ने लिखिया है यानी बाब एक नहीं, बाबैन दो दरवाजे नहीं, बल्कि दरवाजे दो तो ज्यादा जमा दस कुरान ने बोले है अबवाब आखे है अबवाब तीन दो तो ज्यादा तीन या तीन तो ज्यादा ते बोलिया जाता है, यानी कुरान ने किया दरवाजे कई दरवाजे बंद किते। ते जनाब तफसीरां वालिया ने लिखिया है यानी सत्तां कोठड़ियां दे अंदर कोठी दे अंदर कोठी, यानी कमरे दे अंदर कमरा अगे कमरा अगे कमरा, यानी सत्तां कोठियां दे अंदर सत मकाना दे अंदर यानी सात सात दरवाजे उन्हें बंद कर देते ला कर देते रहना। और जनाब हैं जी इवें ले गई सतवीं कोठड़ी दे अंदर, कुरान कहंदा है वगल्लकतिल अबवाब وغلق وغلق وغلقت الابواب, दरवाजे बंद कर दी चली जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, दरवाजे नू लॉक कर दी चली जाती है। और जनाब इधर वेखो सुलेखा बंद करे ते दरवाजे कई दरवाजे, यूसुफ वास्ते दरवाजा खुले ते वस्तबकल बाब, एको ही दरवाजा अल्लाह सारे नु त्रोड़ मरोड़ के एक दरवाजा बना दे। वाह, सुलेखा कईयां वाली ओदे कई दरवाजे, यूसुफ एको वाला ओदा एको दरवाजा।
समझो तो सही है अंदर लतीफ नुकता जो बयान होया है इवें बंद करने के बाद दरवाजे बंद करके अपने खुदावां ते जेड़े बुत रखे हुए जिन्हां दी पूजा कर दी है उन्हां ते कपड़ा पांदी भी अपना दुपट्टा उतार छड़िया पूरियां तैयारियां दे अंदर दुपट्टा उतार के अपनी चुन्नी अपने खुदावां ते दे रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अम्मी वाह वाह यूसुफ कितना साफ है अंदरों कितना दिल दा साफ है क्यों जो पुत्र जो बनाया होया बेटा पुत्रेला बनाया होया जी इस वास्ते हजरत यूसुफ ते अम्मी ही समझदे मगर यूसुफ असी आखने खतीब कहंदा मां ते तेरी कबर अंदर चली गई मां मां ही जम्मण वाली हुंदी है दूसरियां बनौटी मावां मावां नहीं बनदियां। अल्लाहु अकबर। हाँ जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्यारे यूसुफ ने ते अम्मी आखिया कहंदे ने अम्मी एक ही कर लगी है मां कहती है इवें जनाब सुलेखा ने जल्दी नाल इवें मुंह ते हाथ रखिया ते कहती है बे यूसुफ अम्मी नाख बनौटी मां दियां नजरां बदल गईयां बनौटी मां दियां नजरां बदल गईयां मगर ये बात ना आई। हजरत यूसुफ कहंदे ने अम्मी या फिर जुलेखा दा लफ्ज बोलिया जदों ओदा जनाब ओदियां नजरां बदलियां बनौटी मां बदल गई। हजरत यूसुफ कहंदे ने जुलेखा तेरे खुदा से चुन्नी हेठ लुक सकदे मेरा खुदा जड़ा अली नूं बिज़ात सुदूर सीनियां दे बे जानण वाला मैं ओदे तो कित्थे कुत्थे लुका इधरों आवाज आ रही होएगी अंतल करीम या यूसुफ अंतल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ तू नबी तेरा बाबा नबी तेरा दादा नबी नबियां वाली चिट्टी चादर दागदार ना कर देवी। इस औरत ने फिर भी ना सोचिया कि ये जनाब इन मैं अपना बेटा बनाया होया है अम्मी अम्मी आखदा पे आए मगर एक गंदी जमाने की खाचा और गंदी औरत इन्हें जनाब आवाज ही ला छड़ी अपना अंदर बार कर छड़िया वकालत तलक वे यूसुफ मेरे वल तक इधर आ मेरे वाला अल्लाह अकबर इन्हें अंदर दी बात बाहर कर छड़ी अल ऐलान बुराई दी दावत देंदी पई है। इधर वेखना जरा हुण कित्थे कुरान ने होर नुक्ता बयान फरमाया है आयत शुरू हुंदी पई है जिहदे अंदर आयत शुरू इत्थों होनी चाहीदी असूल दे मुताबिक माशाअल्लाह मेरे मजमे दे अंदर मेरे इज्तिमा दे अंदर बड़े बड़े जय्यदुल्लाह साहब मौजूद ने कारी कौसर जवान साहब मौजूद कारी शफीकुर रहमान जाहिद मौजूद ने अल्लाह मेहरबानी नाल उलमा तो ये मुहद्दिसीन यानी मुहद्दस टाइप दे माशाअल्लाह जेड़े शुयूखुल हदीस कराम हुंदे ने इस पाए दे आलमे दीन माशाअल्लाह मुहक्किक और रिसर्च करने वाले माशाअल्लाह आलमे दीन ने ना तो पूछ सकदे हो आयत शुरू होनी चाहिए असल अंदर रावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफसी इत्थों शुरू होनी चाहिए सी लेकिन रावदत इहदे तो पहले वाओ क्यों आया ऐत शुरू होंगी पी एक ऐत के अंदर दरम्यान च आ जाए तो वाह हो रहे अल्लाह अकबर अल्लाह इधर वेखना एदा मतलब है पिछे बड़ी वड्डी दास्तान पोशीदा है बड़ी पिछे पलैन की बात जिहड़ा जुलेखा ने पलैन बनाया होया वाओ दस दिए ऐ वाओ दस दिए वाओ है ना ये दस दिए कि जुलेखा का पलैन बड़ा मौजूद मौजूद जनाब बड़ी देर का बनिया होया है वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफसी अपने वास्ते है जी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू फिसलांदी ते जनाब बहलांदी है दावत देंदी है बुराई दी जनाब इशारा कनाया नाल और अगे फिर फरमाया वगल्लकतिल अबवाब होना ते चाहिदा सी गल्लकतिल अबवाब वाओ फिर आ गया इहदा मतलब है सारे उहदे प्लान दे अंदर शामिल सी वाओ
वाह दस दिए कि पिछे पूरी दास्तान आ रही है जी, पूरा प्लैन आ रहा जिहड़ा उन्हें ज़लैखा ने तैयार किया सी। गल समझा जे, अगले जुमले अंदर भी कहती है जिसले पलैन तैयार हो गया नवा पलैन सामने ले आंदी है, कहती है वकालत तलक वे यूसुफ मेरे वाल तक। ए वेखो प्लैन तो बगैर गल हुंदी पई, अगे यूसुफ अलैहि सलाम का कोई प्लैन नहीं सी, कोई प्रोग्राम नहीं, बस फिल बदी जारी हो गया। उत्ते ते वाओ आई नहीं, इतनी गल सुनते ने जदों कहंदी है यूसुफ मेरे वल तक, इधर मेरे वल आ, मेरी जरूरत पूरी कर। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो असलाम कहंदे ने बीबी असी ते तकिया होया है अर्श वाले रब वल, अर्श वाले रब वाल तकिया होया, असी इहो जिहियां औरतां वाल नहीं तकदे, असी अपने रब वाल वेख रहे हां। हजरत यूसुफ ने वकाला माज़ल्ला नहीं आख्या, ते वाओ नहीं आई, सीधा सीधा कहंदे ने जदों ने आख्या वकाला तही तलक, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बोले फरमांदे ने कला माज़ल्ला बेहतरीन रहन सौन बैठन वास्ते ठिकाना ता फरमाया है। इन्नहू इथे वाओ नहीं आई, गल समझो तेरा, इथे भी डायरेक्ट ही कहते ने तिना जुमलिया के अंदर बगैर वाओ तो, बगैर वाओ अथवा डालन तो, यानी कैसा ही कहते पेने إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون। जेड़े रस्ते तो भटक जान ओ फला लो, ओ लोग फला नहीं पाया कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर हुण गल समझ आई ना, इस ज़ुलैखा ने प्लैन बनाया, ज़ुलैखा ने अपने इरादे का इजहार किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। कुरान कहता है, इस बात की गवाही कुरान भी दिंदा है, वलकद हम्मत, इत्थे रुकना है, इत्थे स्टॉप करोगे तो तर्जमा सही आएगा। क्यों जी? अगर इन्हू कट्ठा ही पढ़ दोगे फिर तर्जमा नहीं सही होएगा। वलकद, वाओ आया, लाम आया, फिर कद आया। क्यों जी? ताकीद दे तीन चार ताकीदा आके ना कसम का माना भी बन जाता है इतने, यानी ताकीद पक्की गल करके अल्लाह ने फरमाया यकीन यकीन जरूर बेजरूर ज़ुलैखा इरादा कर चुकी सी, बुराई दा इरादा कर चुकी सी, अगर पादा स्टाप ना आंदा वाला कद हम्मत भी ऐथे, जे रुकना नहीं ते भी ही पढ़िया जाएगा, ठीक है ना, जे रुकोगे ते भी वाला कद हम्मत भी, ज़ुलैखा इरादा कर चुकी सी। अल्लाह ने कहा पक्की गल है ज़ुलैखा दे बारे, ज़ुलैखा इरादा कर चुकी सी, अगे अगे हम बुरहान रब्बी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम इरादा कर लेंदे लौला अल्लाह बुरहान रब्बी, अगर अल्लाह दी तरफो बुरहान ना जांदी, बुरहान दलील दा माना बनेगा, यानी अल्लाह दियां निशानियां, अल्लाह करीम दे अजायबात अल्लाह दी तरफो बड़ियां बड़ियां दलीलां वेख चुके सन, कुएं दे अंदर रब दी वही दा नज़ारा कर चुके सन, कुएं दे अंदर जिब्रील ने जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ऐसा ऐसा नरम नरम हत्थां दे नाल साफ सुथरे पत्थर ते बिठाया, नज़ारा कर चुके सन, फिर कुएं
ਖੱਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੁਰਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੂਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਨਬੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੇ ਖਤਾ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੇ ਹਾਂਜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਮਸਜੂਦ ਏ ਨਬੀ ਸਾਜਦ ਏ ਅੱਲਾ ਮਹਬੂਦ ਏ ਨਬੀ ਆਬਦ ਏ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਖਾਲਿਕ ਏ ਨਬੀ ਮਖਲੂਕ ਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਬੂਦ ਏ ਨਬੀ ਆਬਦ ਏ ਅੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਏ ਨਬੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਜੇ ਤੌਹੀਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੌਲਾ ਅਰਆ ਬੁਰਹਾਨ ਰੱਬੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਦਲਾਇਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਸ ਐਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਉਣੀ ਸੀ ਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਈ ਮਚਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਮਰਾਸਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ 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 ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਬੁਰਹਾਨ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕਜ਼ਾਲਿਕਲ ਅਸਰਿਫਾਨ ਹੁਸੁ ਅਵਲ ਫਹਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਔਰ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਨਹੂ ਵਾਹ ਰੱਬ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਹੂ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਨਾ ਅਲ ਮੁਖਲਸੀਨ
अल्लाह फरमाते ने क्यों असी बचाया अपने यूसुफ नू, क्यों जो साढ़े मुंतखब किते हुए चुने हुए ते मुखलिस बंदियां चों सी। यूसुफ मुखलिस सी, अंदरों अंदरों खालिस खालिस, अंदरों सोना सी सोना पासे दा, आई समझ। अल्लाह कहंदा पे ते फिर इरादा कितों करना सी बुरा, जदों अल्लाह दी है जी इहो जे नेक बंदियां दे नाल रब दी मदद भी हुंदी है। है जी अल्लाह इवें बचांदा है बुराइयां तो इहो जे नेक बंदियां नूं। ओह सुभान अल्लाह, हुण समझ आई ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बरगजीदा पैगंबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, है जी उन्हां दे बारे दे अंदर फिर इंजी कह सकना ना। हजरत यूसुफ कहंदे होणगे, हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बश से, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। निकले निकल गया, अल्लाह ने बचा लिया जी। फरमाया हद देखो बचाया किवें है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जी निकले निकले, इतनी गल कह के दौड़ पे ते कहंदे ने अल्लाह मैं दौड़ते पिया पर जाना केड़े पासे, दरवा ताले लगे हुए ने। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया सोनिया राबता मेरे नाल कीता ही। अल्लाह कहंदा काल ते मेरे नाल मिलाई है ना, ते फिर मैनू ते सबाब दी लोड़ नहीं, मैं सबाब सारे ही धर्म भरम करके अपनियां मर्जियां कर सकना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू यकीन हो गया, प्यारे यूसुफ नू यकीन हो गया अल्लाह मेरी मदद करेगा, बस इतनी बात कहते पैने। नाले दौड़ लाई ते नाले कहने काल इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। इधरों लपके दरवाजे की तरफ दौड़े, बस इंज दौड़न की देर, वस्तबा कल्बाब एक दरवाजा है, दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा वो सारे दे सारे ताले टुटते चले गए, दरवाजे खुलते चले गए। इवें दौड़े ते बाहर निकलते पहले इधरों दरवाजे तक पहुंचे, अजे पहुंचे ही रे आखिरी दरवाजे तक, जुलैखा भी दौड़ी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे लग के दौड़े, जुलैखा भी मगर दौड़ी, मगर दौड़ दौड़ बराबर नहीं। लाहौर वाले आ कीर कलां दे आबासिया गौर कर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दौड़े, जुलैखा भी दौड़ी, मगर दौड़ दौड़ बराबर नहीं है। इसे तरह मैं कह सकना सुनिया, एक वाला ते कईया वाला बराबर नहीं। समझते जाओ नाले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे जोर नाल दौड़ रहे ने, जुलैखा भी पूरे जतन नाल दौड़दी पई है, जोर एक बुराई तो बचण वास्ते पूरा जोर पिया लांदा है, दूसरे पासे दूसरी जुलैखा बुराई करन वास्ते अपने जाल अंदर फंसाण वास्ते पूरे जोर पूरा जोर पई लांदी है। जुलैखा ने अपने जोर दा आखिरी जड़ा हुंदा ना आखिरी टारगेट पूरा जतन आखिरी जड़े सारे दा सारा सारी ताकत सर्फ करके ते जल्दी नाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कुर्ते नू हाथ पाया, पिछों कुर्ते नू हाथ पै गया ते कुर्ता फटदा चला गया। जे हाथ हौले पाया हुंदा ते कुर्ता छुट जाना सी, फटना नहीं सी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल जांदे ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही माड़ा जिहा भी उन्हां दे अंदर कमजोरी हुंदी, ताकत नाल ना दौड़दे हुंदे ते कुर्ता फड़िया सी ते रुकना पैंदा, क्यों जी कुर्ते नूं हाथ पिया सी ते रुकना पैंदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं। इहदा मतलब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे पूरे जोर नाल पूरी ताकत नाल दौड़ रहे ने, इह भी पूरे जोर नाल मगरा करदी है पिछा करदी है जुलैखा,
ते हाथ पैंदा चला गया, कुर्ता फटदा चला गया। हजरत यूसुफ अलैह सलाम दरवाजे तो बाहर, आहा दरवाजे तो बाहर, हजरत यूसुफ अलैह सलातो वसलाम कुरान कहता है وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَ خَالَدَ الْبَابِ। जो ही दरवाजे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर होए थे, अगे अजीज मिस्र खड़ा, जुलैखा दा घर वाला। जो ये दिन नजर पई, ऐत भी नहीं बदली, कुरान पाक दी ऐत बदली नहीं गई, उस ऐत दा अगला जुमला ते अपने शौहर नू वेख दिया ही। ए देखो ए मोहब्बत जड़ी है ना, मोहब्बत ए जड़ी बनौटी मोहब्बत, वेखो किधर गई यकदम, फौरन बदल गई, फौरन बदल गई। ते कहंदी ए यू टर्न ले लिया, इन्हें यू टर्न ले लिया, यू टर्न देखो ए वड्डी है, ए वड्डे लीडर की निशानी। अस्तगफिरुल्लाह माज अल्लाह, दुनिया ने लुगत ही बर्बाद कर छड़ी, दुनिया के फराड और झूठिया ने इन्होंने पूरे पूरे दी पूरी लुगत बर्बाद करके रख दी, माने ही गलत कर दिते अपनी मर्जी के माने का। सारिया किताबा नवे सिरों ही लिखण, फिर सारिया लुगत दिया किताबा नवे सिरों लिखणगे हुण, है जी, ताकि यू टर्न का माना एक नवा आजाद होया तो नवे सिरों सारा कुछ लिखा जाएगा, तो फिर मसला सीधा होएगा। अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, है मेरे अल्लाह किधर। इधर वेखो ये यू टर्न लैन आले इंज दे ही होया करते ने, जू ही वेखे अपने शौहर की तरफ नजर पे कालत मन आला अलीम। कहती है दस अपने शौहर नू, कहती है जेड़ा बंदा तेरे घर नाल ही बुराई दा इरादा कर लवे, ओदा उदू दे बारे च की तेरा ख्याल है। हाँ जी कहती है मैं ते चाहनी हाँ इनू या तो जेल अंदर ठग दिता जाए या सख्त सजा देनी होएगी। एक सैकेंड भी नहीं गुजरिया, सैकेंड पहले कुछ है ते जनाब सैकेंड तो बाद यू टर्न ऐसा लिया कि इमरान खान दे दादे बाबे सारा जान कट्ठा हो जाए, सारे एदे सदर कट्ठे हो जान, वजीर कट्ठे हो जान, जिन्ने एमएनए एमपीए कट्ठे हो जान, सारे रल के भी एडा वड्डा यू टर्न नहीं ले सकते जिड्डा जुलैखा ने लिया है। हाँ जी ये इन्हां दे इमाम बनने की कोशिश करते ने, जुलैखा दे इमाम बनने की कोशिश करते हैं, क्यों जी वो छोटी लीडर सी वड्डे लीडर ने। हाँ जी यू टर्न लैन आला होर वड्डा लीडर होंदा है, लेकिन एडा वड्डा यू टर्न नहीं लै सकते जिन्हें मर्जी यू टर्न ले जान। तो बरक है मैं तो इतनी गल कहना सुनिया, इन्हें जल्दी नाल उस वेले कहती है दसो जेड़ा तुहाडे घर नू ही पै गया ओदा की इलाज होना चाहिए है, या तो उन्हूं नाल नाल दलायल भी देंदी पी है, एडवोकेट भी है, और जनाब मजलूम भी अपने आप नूं साबित करदी पई है, ते नाल कल्ली एडवोकेट नहीं नाल केस दी मुदई भी बनी पई है, ते अगो जज भी आप ही बनी पई है, फैसला भी आप ही सुनाई जांदी है। इहदा मतलब है इहदा शौहर किसे खाते दा नहीं, अगर किसे खाते दा हुंदा ते कोई काम उहदे भी जिम्मे लांदी कि तू भी ऐ कर, सारे काम आप ही कीती जांदी, आप ही संभाले होए ने सारे काम। समझ आ गई बात, अल्लाह 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 अल्लाह। ते जनाब हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने एदी तब्दीली नू वेख्या, हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने की वेख्या, एदी तब्दीली नू वेख्या, पाकिस्तानिया ने एदी तब्दीली नू वेख्या, वेख लिया जे कि अजे वेखनी कोई नहीं, अजे वेख लो और थोड़े दिन होर वेख लो। हाँ जी रज आया जे तब्दीली वेख्या जे किवें आंदी, अल्लाह दी ना अल्लाह दी, बंदा करे तो करे की। इधर वेखो हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने एदी तब्दीली नू वेख्या, इत्थे यकदम ही बदल गई, गल्ला नाल तब्दीली ले आंदी, एक गल्ला नाल ही तब्दीली ले आंदी पई है,
इन्हें किता कुता कुछ भी नहीं, आखिर तब्दीली आ गई, तब्दीली आई, लो तब्दीली आ गई है, आ नहीं रही, आ गई है, वाकई आई होगी तेरे घर तक, उत्थे तक आई होनी, अगह पिछा तो किधरे बदली तब्दीली किधरे वेखी नहीं किसी ने मां के लाल ने अज तक नहीं वेखी। बल्कि मैं अर्जे कर रहा फौरी तौर पर तब्दीली आई है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम वेख देने ते बदल गई, ए टू जेड तब्दीली आ चुकी है जुलैखा के अंदर। हजरत यूसुफ कहते ने काला या रावदतनी अन नफसी, बस जुमला इको ही बोलिया तो कमाला ही कर दिया। सच्चा बंदा बहुतियां कसमां चुकदा है जी, बहुता चतर जबान नहीं होता, बहुता बोलता नहीं गा सच्चा बंदा, क्यों जी वो झूठी है तो बोली जाती, बोली जाती है, एडवोकेट भी आप, गवाह भी आप, मुदई भी आप, है जी अगे जज भी आप बनी पई है, फैसले भी आप ही करती पई है, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने कोई फजूल यानी बात ज्यादा गल भी नहीं की, फजूल तो करनी की सी, है जी बात माड़ी जी ज्यादा गल्ला जुमले भी ज्यादा नहीं बोले, बस इन्ना क्या हजरत यूसुफ फरमाते ने इन्हें ही मैनू वर्ग लाया, इन्हें ही मैनू, इन्हें कोशिश की, मेरा एह कोई अमल दखल नहीं। वशागी दशागी तुम मिन आली ए जुलैखा दे हाद ही जमीर जुलैखा वाल जा रही, जुलैखा दे घर दाई को फर्द फर्द बोलिया, बच्चा बोलिया, बूढ़ा बोलिया, जवान बोलिया, बल्कि वो जी गल बच्चा ते कर ही नहीं सकता, घर का कोई फर्द बोलिया, जुलैखा दा हमायती बोलिया, कहंदा इंज करो, लड़दे झगड़दे क्यों कह पे हो, वेखो अगर कुर्ता पिछों फटिया होया है ते फिर यूसुफ सच्चा ते जुलैखा झूठी। अच्छा जिस ते ज्याती जिदे नाल होई होवे काबले तफ्तीश ते उन्नू बनाया जांदा है, उन्नू वेख्या जांदा है कि उहदे नाल ज्याती होई की है, ये उहदा हमायती सी, गल तो लगता है कि गल करने वाला यह जुलैखा का हमायती सी, कोई उदा कोई हमायत करने वाला है जी, उदा फेवर फेवर करने वाला उदी ओ सी, इस वास्ते उन्होंने कहा, वरना वेखदा जुलैखा नू है जी तफ्तीश के काबिल जुलैखा नू बनाता, जिदे नाल ज्यादती हुई है उदा पता किया जाता कि ज्यादती हुई भी है कि नहीं, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम नू ए जनाब काबले तफ्तीश ठहरांदा है, कहंदा वेखो हां जी अगर कुर्ता अगों फटिया ते यूसुफ झूठा ते जुलैखा सच्ची, हां जी इंज दी गल दिंदा है, दसदा है जदों कुर्ता वेख्या कुर्ता ते पिछों फटिया होया, और अजीजे मिसर नू गल समझ आ गई, अजीजे मिसर नू गल समझ आ गई, कुछ करन जोगा नहीं सी ते चलो गल ते इतने करन जोगे भी कुछ नहीं, तो गल भी समझ नहीं आती पी, गल समझ इन्हों भी नहीं आती पी, असी करना की है तो साड़ी गल भी नहीं समझ आती उन्होंने, है जी के लोग आवाम की कहती पई है, बार कैफ गल समझ आ गई और फौरी तौर पर कहता है, कहता काला मिन कई दी खुन, कहंदे ते औरतां दे मकर ही होया कर दे, ले ले औरतां किधर ते आ तेरी, है जी गंदी गुमाश्ती तेरी रन किधर, आ दुनिया दी फाहशा ते बदकारा औरत किधर, ते औरतां अल्लाह दियां बलिया भी होया कर दियां ने, सारियां औरतां नूं विचे ही पुण दिता, उहनूं तो कोई कहण जोगा नहीं, परां नूं मूंह करके कहंदा वाह 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 कुरान तेरी आजमतां तो कुरबान जावां, सीधा मूह कर जोगा भी नहीं से ओदे बने मूह करके ही कवे गंदी है जमाने की कुत्ती रन तू एह जी है, ये नहीं कहण की जरूरत ही नहीं, पर मूह किया होया है, यानी यूसुफ वाले सलाम वाल मूह करता है, अपनी बीवी वाले मुंह करने की जरूरत ही नहीं है दे अंदर, ते कहंदा की है फौरन पता चल गया कि मेरी बीवी झूठी है गलत है, होई ओ बंदा सच्चा है यूसुफ सच्चा है, इसके बावजूद भी उधर मुंह करने की जरूरत नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाल मुंह कीतो है, कहंदा काल इन्नहु मिन कैदी खुन, ये औरतां दे मकर होया करदे ने,
كيدكن عظيم انا عورتان دے بڑے ہی وڈے مگر ہویا کر دیں کو ساریاں عورتان نو کہتے ہیں تے جنال حضرت یوسف علیہ السلام وال تے منہ پہلے ہی کیتا ہویا سی کہندا یوسف اعرض عن هذا یوسف اس گل نو جانی دے ایدے تے مٹی پا اس گل نو آئی گئی کر دے خرد برد کر دے گل نو گل نو جانی دے واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین کہندا کیے منہ ادھر نہیں کیتا ہے میرے اللہ یوسف والے منہ کیتے ہوئے تے کہندا بیوی نو پی آئے معافی منگ گناہگار تو اے واستغفری لذنبک تو اپنے گناہاں دی معافی منگ انک کنت من الخاطئین تو گناہگار اے واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جاواں ایڈے پیارے نقشے کھچے نے قرآن نے کمالاں کرتیاں ویکھو یعنی یہ جڑے یہو جے لوگ ہوندے نے نا انہاں دی اتنی تھارٹی نہیں ہوندی گناہ یہ دیوس اینوں کہندے نے اینوں کہندے نے دیوس لوگ ہوندے نے جڑے برائی نوں ویکھ کے تے بڑی پھرنا ہاں جی بس اوے دگڑ مگڑ کردے پھرنا جرت نہیں ہوندی گل کرن دی وہ کاہدہ بندہ ہے جنوں گھر چ جرت نہیں ہوتی کہ وہ گل کر سکے کیوں جی کاہدہ بندہ ہے بچارا ہاں جی وہ کی اتھارٹی کی ویلیو اللہ اکبر اللہ اگر کوئی اس ویلے چباڑے سیکے ہوتے نا وہ ساڑے پنجابی چ کہندے نے سنتے ہو نا کیوں جی قاری صاحب سیدھی گل ہے اگر وہ ہاں جی وہ چباڑے سیکے ہوتے وہ جاڑا کڑیاں ہوندیاں وہی ہوں لٹریشن کی ہوئی تے پھر اگلا کام تے نہیں نہ کرنا سی انہیں ہن اگے پھر وہ کچھ کیا ہی نہیں انہوں کہن جوگا نہیں حضرت وہ جے بنے منہ نہیں کرن جوگا تے کہنا کی سی اچھا قرآن کہندا ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مصر دیاں کراڑیاں نو پتا لگیا انہاں عورتاں نو جڑیاں عورتاں اس کام دیاں سرغنا سنے پورا گروپ سی بریاں عورتاں دا گندیاں عورتاں دا انہاں نے آکھیا ہاں جی کہن شور مچا لیا گل جتنی بھی چھپائی مگر گل چھپایا چھپ نہ سکی ہر پاسے دھم پی گئی پورے شہر اندر ایدیاں جڑیاں ہاں جی ہم نوالا تے ہم پہ آلہ سن کیوں جی گل سمجھ آئی نا تے جملہ اکثر ہی بولیا جاتا ہے ہاں جی جناب انہاں تک بھی گل پہنچ گئی وہ بولیاں کہندیاں ننی بڑی وڈی سردار بننی ہے ساڈی سارے اس گروہ دی سرغنا بندی پئی ہے وہ بول کے کہندیاں نے وہ غلام تے ڈل گئی غلام تے جناب ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے قد شغفہا حبا غلام دی محبت تیرے تے غالب آ گئی اسی تے تینوں ویکھنی ہے انا لنراھا فی ضلال مبین واضح گمراہی اندر ویکھ رہی ہاں اسی تینوں
गल समझे जी, गल समझे जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हैं जी, ये देखो गौर ते करो ना, एक मैं होर गल दसा जनाब, बड़ी पते दी बात। इधर अल्लो ये भी ते बात मिल गई ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हो गए, ये भी ते बात मिली। फता हुंदी है तकवे दी और अल्लाह तो डरने वाले दी। अल्लाह दे डर दी फतह है। क्यों जी? तकवे दी फतह है। हाँ जी 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 जी। के देते फतह आला मकाए दे शैतानी और आकाजी बे निस्वानी, यानी शैतानी मकर फरेब और इन औरतों दे झूठ उते फताए तकवे दी, अल्लाह तो अपने रब तो डरने दी। ऐ देखो अल्लाह ने फतह दी है ना, इस बात नाल भी इत्मीनान होंदा है कि जो लोग पस परदा गुनाह गुनाहां तो बचदे ने, रब्बुल आलमीन उन्हां दी हिफाजत और नुसरत दुनिया कायनात दे सामने कर देंदा है। उस वेले ते कोई नहीं ना वेखदा सी, हजरत यूसुफ कोठियां दे अंदर बंद ते गुनाहां तो बचण दा प्रोग्राम बनाया। गुनाह तो अल्लाह ने बचाया भी। क्यों जी? गुनाह करन वास्ते भी जुलैखा दौड़ी ते गुनाह है तो बचन वास्ते हजरत यूसुफ दौड़े। ते मैं तुहाडे तो पुछना, अल्लाह की मदद किहदे नाल होई? बोल दरा, जेड़ा गुनाहां तो बचन वास्ते दौड़दा है। अल्लाह की मदद ते उहदे नाल होई। तू किवें कहना तेरी मदद अल्लाह नहीं करता? अल्लाह बराए रास्त मदद करता है। अल्लाह नू पुकार। जी जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस बात दी गल समझो, जेड़े लोग छुप करके गुनाह करते ने जी, एक दिन एक ना एक दिन उन्हां दी जिल्लत और रसवाई लोगों के सामने आ जाती है ना। इस वास्ते वेखो सामने आई पी है, जुलैखा दा घरवाला कहंदा यूसुफ अरिद अन हाजा वस्तग़फिरी लिज़म्बिकि इन्नकि कुन्ति मिनल ख़ातीन। गल समझ गए हो ना? फिर मैं क्यों ना कहा बड़ा शुक्र लाजिम है तेरा खुदाया, नबुवत के दामन पे धब्बा न आया, फरिश्तों में गुल मरहबा मरहबा का हुआ गए, और फरिश्तों में गुल मरहबा का हुआ है, शयातीन में एक सोग साछा गया गए, हया लेगी बाजी हया ले गई आज बाजी जहां में, मुबारक सलामत हुई आसमां में, फरिश्तों में दरबार एक हो रहा है, शयातीन का काफला रो रहा गए, खुदावंदा यूसुफ को तूने बचाया, हया का किया दगर में बोल बाला। भावे जनाब पाकिस्तान दी कोई है जी ऐसी औरत जड़ी जनाब हया दे खिलाफ पूरे यहूदियां ईसाइयां दे पलान दे मुताबिक, यानी हया नू वेचण वास्ते फरोख्त करन वास्ते पलान बना दी फिरे, अपने कोलों ही मुफ्ती बनी फिरे, मगर जिन्हां अल्लाह ने हया ता फरवाया हुंदा है, जीत हया की गए, जीत शर्म की गए, हया की गए, बेहया जी वेखदे ही रह जांदे ने, उन्हां दे पलान अल्लाह वालियां दे उत्ते लागू नहीं हो सकते। इस वास्ते ते मैं अर्ज़े कर रहा जनाब, ए औरतां कहंदियां ने कद शगफा हुब्बा, अदा जनाब मुहब्बत दियां तीन किस्मां। ऐ वेखो जड़ी मुहब्बत अल्लाह नाल हुंदी है दा मतलब है मुहब्बत गैर अल्लाह नाल ना ते अल्लाह दे बराबर हो सकती है, ना अल्लाह तो ज्यादा किसे दूसरे नाल हो सकती है। गैर अल्लाह दी मुहब्बत अल्लाह दे बराबर भी नहीं करनी, सकती ते ना अल्लाह तो ज्यादा हो सकती है। मोहब्बत दियां तीन किस्मां, मोहब्बत मबनी बर लज्जत, मोहब्बत मबनी बर तमा, मोहब्बत मबनी बर इखलास।
मैं दस्या सी ना लज्जत वाली मुहब्बत जल्द शुरू होंदी ते जल्द ही खत्म हो जाती है, जिहड़ी तमे वाली लालच होवे किसे नाल देर नाल शुरू होंदी है ते जदों पोल खुल जाए खत्म जल्दी हो जाती है, ते जिहड़ी मुहब्बत मबनी बारे खलास है बड़ी जल्दी शुरू होंदी है ते खत्म होंदी ही नहीं, जन्नत च भी खत्म नहीं होएगी। बंदिया तेरी मुहब्बत अल्लाह नाल इंज दी होनी चाहीदी है, बस होवे ते फिर हो जाए, क्यों जी खत्म होने की गल नहीं फिर अल्लाह। हाँ जी, मिस्र दिया औरतां ने इतराजात कीते, उन्हां दा मनशा की सी, वो कहदियां ने इतनी अमीर कबीर औरत हो के अपने गुलाम नूं ही बुराई ते अमादा करन लग गई, कोई अपने बराबर दा तलाश कर दी, अपने बराबर दा लभ लैंदी। जनाब इधर वेखिया जे बाईमान बाईमान औरत दी ये निशानी है कि अल्लाह ताला ने उदे अंदर शर्म ते हया पैदा कीती हुंदी है, खा कोई शख्स उदे शौहर नालो अमारत अंदर हुसन अंदर जमाल अंदर इज्जत अंदर मनसब अंदर कितना ही ज्यादा वध करके ना होवे, मगर वो अपने शौहर दे सिवा दूसरे शख्स नू एक अख भर के भी वेखना बर्दाश्त नहीं करदी, एक अख वेखना पसंद नहीं करती। ये जे हया वाली औरत दी शान, अगर उन्हां औरतां दे अंदर नफसे बुराई मुसलमा ना हुंदी, यानी नफसे बुराई है जी नफसे जना दी बुराई मुसलमा ना ना हुंदी, उन्होंने कहना सी ए एडी बुरी है ये बुराई करती फिरदी है जी बुराइयां दे वल तवज्जो है जी जनाब किसी नूं वरगलांदी फिरदी, ये गल कहनी सी उन्होंने बुराई बुराई दे तनकीद नहीं की थी, क्यों ते बुरी ते जुलैखा सी बुरियां ही आप सन वो ग्रोह ही एको ही सी, इस वास्ते तनकीद ये की थी कि उन्होंने अंदर बुराई मुसलमा सी, क्यों जो असल फेल है बद बुरे फेल है जी, यानी मुहब्बत गैर दी बुराई ते जोर नहीं दिता, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये है जी अपने बराबर का तलाश कर लेंदी ते गुलाम ते डुल गई, ये इतराज किया इन्होंने ता आख्या कि असी इन्हू वेखनी हाँ इन्ना ला नाराखा फी गलाल मुबीन, ये तो बहकी हुई इन्हू पता ही नहीं है एवं गुलाम ते डुल गई, गुलामा नू कौन यह जी बात की दावत दिंदा, ऐसी उन्हों की मंशा। गल दूर जा रही सी, वक्त मुकम्मल हो गया, हुण अगले जुमे इतों बात शुरू होएगी कि जुलैखा नू जदों पता लग्या ये बड़िया खुल खुल के दियाँ सहेलना बेलना बड़िया गल्लां कर दियां ने, उन्हें दावत की इन्हां दी तकीए ला दिते फ्रूट रख दिते छुरियां कांटे पकड़ा दिते गए, उन्हें क्या खाओ उधर नाले यूसुफ नू आख्या यूसुफ निकल, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम निकले ते बस इंज नज़र पई ते भुल गई कि फ्रूट कट दियाँ पियाँ या अपनियाँ अंगलियाँ कट दियाँ, एवें ते नहीं मेरे उस्ताद आख्या अगले जुमे तो बात चलेगी बहुत कुछ आएगा। पुछ अंगा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया, पुछ अंगा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया, मुख पाक मुहम्मद चमकदाए मुख पाक मुहम्मद चमकदाए या बिजलियां ने लिशकार दिया, पुछ अम्मी ऐशा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया, जो जुलैखा नू कर मलामत गईयां उन्हां अपनी अंगलियां काट लियां, जो जुलैखा नू कर मलामत गईयां उन्हां अपनी अंगलियां काट लियां, जे ओ वेदियां मेरे मुहम्मद नू जिगरां विच छुरियां उतार दियां, पुछ अम्मी ऐशा सिद्दीका तो।